हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। सॉरी मुझे वीडियो बनाने में लेट हो गया। एक्चुअली ये वीडियो मुझे पहले बनाना था, तो मैं सोचा थोड़ी देर लेट जाता हूँ क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, तो नींद ही लग गई और उठ ही नहीं पाया फिर, और इसलिए लेट हो गया वीडियो बनाने में। बाकी वीडियो भी जल्दी से अपलोड करता हूँ मैं, जो तीन चार वीडियो बनाने हैं आज के। ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में बात करने के पहले आपको बता दूं, अगर आपको चाहिए जैकपॉट शेयर या आप चाहते हो आपका पोर्टफोलियो हमारी टीम हैंडल करे, तो उसके लिए व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, ब्राइटकॉम ग्रुप में आज स्ट्रांग अपर सर्किट लगा, जो कि आप जानते हो एकदम ही स्ट्रांग बाइंग देखने को मिली। करीब करीब 5 करोड़ शेयर्स की बाइंग ऑर्डर लगी हुई थी और शेयर जा पहुंचा है अभी 14 रुपीज़ 50 पैसे पर। NSE पर अराउंड 51,50,000 शेयर्स ट्रेड हुए, BSE पर अराउंड 6,50,000 शेयर्स ट्रेड हुए, ऑल टुगेदर अराउंड 58,00,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं, जो कि वॉल्यूम तो ऑब्वियसली कम ही देखने को मिलेगा क्योंकि सेलर कम थे बायर ज़्यादा थे। डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो आज 100% डिलीवरी थी, वो भी एक्सपेक्टेड ही था, तो चलो अच्छी बात है। जितना वॉल्यूम कम होगा उतने सर्किट ज़्यादा लगते रहेंगे, तो कम वॉल्यूम में आज अपर सर्किट लगा, ये काफ़ी पॉजिटिव बात है। और दूसरी बात, एम ऑर्डर की बात करें तो 68,72,000 शेयर्स की स्ट्रांग एम ऑर्डर लगी हुई है बाइंग के लिए, वो भी काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेशन है। अब सवाल ये है कि सुरेश कुमार जी रेड्डी, जो कि उनके तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है, आज दो नोटिफिकेशन आए ब्राइटकॉम ग्रुप की ओर से। एक तो BSE को वॉल्यूम कितना इंक्रीज किया उसका जवाब दिया कंपनी ने, वही स्टैंडर्ड जवाब जो होता है। तो BSE का, जैसे कल मैंने आपको बताया था मॉर्निंग में कि NSE की ओर से जो नोटिफिकेशन आया उसका जवाब कंपनी ने दिया था वॉल्यूम क्यों बढ़ा, तो यही एक BSE की ओर से भी नोटिफिकेशन आया, जो लेटर गया था उसका भी जवाब कंपनी ने दिया। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सुरेश कुमार जी रेड्डी, जिन्होंने अपने शेयर गिरवी रखे थे, प्लेज रखे थे, वो जो है बिक चुके हैं। मतलब वो जो कंपनी के पास प्लेजिंग किया था वो 11,30,000 शेयर्स अनप्लेज हो चुके हैं, बिक चुके हैं। तो अब सुरेश कुमार जी रेड्डी, जिनका होल्डिंग पहले 1.54% था, वो घटकर हो गया है 1.42%, और 1 करोड़ 54 लाख शेयर्स थे उनके पास, जो घटकर हो गए हैं 1 करोड़ 42 लाख शेयर्स। 0.76% के होल्डिंग थी, वो घटकर हो गई है 0.71%। और ये कंपनी ने, ये कौन से कंपनी के पास गिरवी रखे थे उन्होंने, तो कंफर्ट फिनकैप, जो कि आप जानते हैं लिस्टेड कंपनी है, इसका नाम सुना होगा आपने, पेनी स्टॉक है, उसके पास 8,50,000 शेयर्स थे जो कि 30 अगस्त को यह जो है अनप्लेज किए गए, और 2,80,000 शेयर्स लोहारुका मीडिया एंड इंफ्रा इनके पास प्लेज रखे थे। तो दोनों कंपनी ने इसको मार्केट में बेचकर अपना पैसा वसूल किया है, ऐसा नोटिफिकेशन से जो हमें पता चलता है। दुख की बात मुझे ये लगती है कि सुरेश कुमार जी रेड्डी, जिन्होंने इतनी मेहनत से कंपनी बनाई, और आज देखिए आज वही कंपनी से वो बाहर हो गए हैं, और प्लस उनका होल्डिंग भी कम हो चुका है। तो समझ में नहीं आता है कि इतनी अच्छी कंपनी, करोड़ों मतलब हजार करोड़ रुपए की इनकम करने वाली कंपनी, ऐसा क्या हो गया कि इनको शेयर प्लेज करने पड़े और पैसा उठाना पड़ा, और वो चुका भी नहीं पा रहे हैं वो पैसे को। उल्टा जो उनके लेनदार है, जो क्रेडिटर्स हैं, वो उनके शेयर मार्केट में बेचकर अपना पैसा वसूल कर रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है, आगे पता नहीं क्या होता है और ऐसी क्या बात थी जिसके कारण सुरेश कुमार जी रेड्डी, जो कि 2,500 करोड़ का प्रॉफिट करने वाली कंपनी में इतना कम स्टेक उनका रह गया है और खुद ही कंपनी के बाहर हो गए। बट ये एक सैड न्यूज़ है कि सुरेश कुमार जी रेड्डी ने ये कंपनी इतनी बनाई, इतनी बढ़ाई, बट आज खुद ही वो कंपनी के बाहर हो गए हैं। ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, बट कभी कभी गलतियां हो जाती है इंसान से, उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ता है। तो ये नोटिफिकेशन आया है तो उनका स्टेक और भी कम हो चुका है कंपनी में, और आशा करते हैं कि जो ये जो नेगेटिविटी के बादल जो कंपनी के ऊपर छाए हुए हैं वो जल्द से जल्द निकले, कोई धमाकेदार न्यूज़ आए और ये जो अपर सर्किट चल रहा है
ये लगातार बना रहे। अभी तक कंपनी की ओर से कोई ऐसी बड़ी अपडेट नहीं आई है जो कि जिसके बारे में CEO, CFO की या ऑडिटर की या प्रेफरेंशियल शेयर अलॉटमेंट के बारे में ये खबर आना ज़रूरी है, जिसके कारण जो ये तेज़ी चल रही है ये बरकरार रहेगी। पर आशा करते हैं कि अभी अपर सर्किट लग रहे हैं ये सिलसिला शुरू रहे और बीच में ही कोई न्यूज़ आ जाए जिसके कारण ये अपर सर्किट लगातार चलता रहे। तो आप में से काफ़ी लोगों ने AMO लगा कर बाय किया भी होगा और वापस AMO लगाया भी होगा। इतना ही है, अपना जो है रिस्क एपेटाइट देखकर डिसीजन लीजिए कि कौन से लेवल पर एंट्री करना है या कौन से लेवल पर एग्जिट करना है या कौन से लेवल पर एवरेजिंग करना है। तो चलो देखते हैं कल कितना स्ट्रॉन्ग अपर सर्किट लगता है, कल कितना वॉल्यूम होता है, ये हमने देखने वाली बात होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।